कलर्स टीवी के शो बैरिस्टर बाबू के नए ट्रैक ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। अनिरुद्ध और बोंदिता के नए प्रोमो को देख लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और शो के मेकर्स को खूब खरी खोटी भी सुना रहे हैं। जी हां, दरअसल मेकर्स ने शो का हाल ही में जो नया प्रोमो रिलीज किया है उसमें त्रिलोचन अनिरुद्ध को नशीले लड्डू खिला देता है, जिसके बाद अनिरुद्ध नशे की हालत में बोंदिता के पास जाता है जो कि कमरे में बिल्कुल सजी धजी एक दुल्हन की तरह बैठी हुई नजर आ रही है। लोगों को लग रहा है कि शो में जल्द ही अनिरुद्ध और बोंदिता के बीच किसी रोमांटिक केमिस्ट्री को क्रिएट किया जाएगा, लेकिन अब इस प्रोमो को देखकर कुछ लोगों का गुस्सा खूब फूट पड़ा है। लोग सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि मेकर्स अनिरुद्ध और बोंदिता को लेकर ऐसा रोमांटिक सीन कैसे दिखा सकते हैं और उन्हें शो का ये नया ट्रैक काफी ऑकवर्ड लग रहा है। देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा है। यार, ये लोग टीआरपी के लिए कितने गिर गए। ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव। पहले वो स्टूपिड पीरियड्स वाला ट्रैक और इस बार तो हद ही कर दी। क्या दिखा रहे हो यार, शेम। डिस्कस्टिंग थिंकिंग, डर्टी शो, वेरी बैड। मुझे ऐसा लगता है इस बच्ची के पेरेंट्स इसका बचपन छीन रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में ऐसा रोल बच्चों पर बहुत फर्क पड़ता है, वेरी बैड। हालांकि कई लोग शो के इस नए ट्रैक से काफी खुश भी हैं और मेकर्स की तारीफ भी कर रहे हैं कि वो इस तरह के इंटरेस्टिंग ट्रैक को लेकर आए हैं। लेकिन अब अनिरुद्ध और बोंदिता के इस नाइट सीन पर नेगेटिव कमेंट्स आने के बाद शो में संपूर्णा रॉय का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस पल्लवी मुखर्जी ने शो के इस ट्रैक पर काफी कुछ कहा है। जी हां, टेलीचक्कर से बातचीत में पल्लवी ने कहा, शो में इस तरह के ट्रैक को दिखाने के बाद मेकर्स अब ऐसे रिचुअल को दिखा रहे हैं जो 1930 के दौरान हुआ करती थी। एक लड़की के युवावस्था में चले जाने के बाद उसे उम्मीद थी कि वो अपनी शादी स्वीकार कर लेगी और परिवार का उत्तराधिकारी पैदा करेगी। ये सच है। प्रोमो को नेगेटिव रिएक्शंस मिल रहे हैं क्योंकि रिचुअल उस दौर में हुआ करते थे। हालांकि ऑडियंस को रिलैक्स होना चाहिए क्योंकि ट्रैक अनिरुद्ध बोंदिता के रोमांटिक ट्रैक पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि अनिरुद्ध इस सिचुएशन से कैसे निपटेगा और लोगों की मानसिकता कैसे बदलेगा, जैसे वो अक्सर शो में करता आया है। सुना ना आपने भी, यानी कि शो के प्रोमो में जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। बल पल्लवी की इस बात को सुनकर वो लोग जरूर शांत हो गए होंगे जो बेवजह अनिरुद्ध और बोंदिता के इस सीन को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे और ये सोच रहे हैं कि शो में मेकर्स इन दोनों के बीच लव मेकिंग सीन क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बैरिस्टर बाबू शो साल 2020 में 11 फरवरी को ऑन एयर किया गया था। शो में बोंदिता बनी है चाइल्ड आर्टिस्ट औरा भटनागर, वहीं अनिरुद्ध का किरदार निभा रहे हैं एक्टर परविश मिश्रा। शो में औरा ने जिस तरह से बोंदिता का किरदार निभाया उससे ये शो हर किसी की पसंद बन चुका है। उनकी मासूम अदाकारी और वो जिस तरह से सवाल पूछती हैं वो हर किसी को भा गया है। आजादी के पहले के बैकड्रॉप पर बेस्ड ये शो अलग स्टोरी की वजह से सभी ऑडियंस को पसंद आ रहा है और लोग बड़े ही चाव के साथ इस शो को देख रहे हैं। हालांकि अब जिस तरह से शो के इस नए ट्रैक पर लोगों ने रिएक्ट किया है वो वाकई हैरान करने वाली जरूर बात है। वैसे आप शो के इस ट्रैक को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में।